जहां एक ओर सरकार ने यातायात के नियमों को कड़ा किया है और नाबालिग वाहन चालकों को लगाम लगाने की कोशिश की है, वहीं कुछ माता पिता अब भी अपने कम उम्र के बच्चों को अपने वाहन हाथ में थमा देते हैं, जिसके बाद एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती हैं। आज लकड़गंज परिसर में भी इसी तरह एक एक्सीडेंट की घटना सामने आई है, जिसमें एक चार पहिया चालक कम उम्र की लड़की ने एक दो पहिया चालक व्यक्ति को उड़ा दिया है। लकड़गंज में सामने आए एक्सीडेंट की घटना में एक चार पहिया चालक युवती ने दोपहिया चालक बुजुर्ग व्यक्ति को उड़ा दिया। घटना के बाद कई लोग घटनास्थल पर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कम उम्र की लड़की जो कार चला रही थी, उसने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को अपने वाहन से टक्कर मार दी। घटना के बाद जख्मी को अस्पताल रवाना कर दिया है। एक तरफ जहां पुणे एक्सीडेंट और नागपुर का रामझूला एक्सीडेंट केस सबके जहन से उतरा ही नहीं था कि यह नया मामला सामने आया है। इस घटना में भी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जख्मी हुआ है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। वो यहाँ से आ रहे थे और लेडीज गाड़ी चला रही थी, लड़की थी, दो लड़की थी, एक लड़की गाड़ी चला रही थी, बाजू में उनके अंकल बैठे हुए थे, हम लोग वहाँ खड़े थे तो उनने सीधा लाई और सीधा गाड़ी ठोक दी अंकल को, सीधा चेन डाली अंकल अगर किस्मत से अंकल बच गए नहीं तो अंकल का तो चेन गाड़ी की हालत देखो, आप जैसे गाड़ी दिखाओ और वो उनको देखो, लड़की नाबालिग थी या वो तो मेरे को नहीं मालूम, पर लेडीज लड़की गाड़ी चला रही अभी सीरियस ही है, समझ के चलो उनकी कंडीशन खराब ही हुआ है, उनको उठना भी नहीं हो रहा था, हमने उनको उठा के ऑटो पे चल के अभी अस्पताल भेजे आपके भाई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।